हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डॉक्टर की प्रोफाइल को जो है गेट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको शो कराएंगे और अपडेट कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपडेट का भी जो है कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्म को रीयूज करेंगे और उसमें ही इनिशियल डेटा जो है शो करा देंगे और वहीं से उसको अपडेट करा देंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसके लिए एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए कमेंट भी आप ऐड कर दें, पोस्ट अपडेट प्रोफाइल, और उसके लिए अब हम एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट के अंदर यूआरएल पाथ आपको ऐड करना है, जैसे कि सेम नाम में रखता हूँ अपडेट प्रोफाइल, और उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर, और उसके बाद में कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर सेम नाम से बनाएंगे, अपडेट प्रोफाइल कंट्रोलर, इसको कॉपी कर लेंगे, डॉक्टर कंट्रोलर में यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, और कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, अपडेट डॉक प्रोफाइल कॉन्स्ट अपडेट डॉक्टर कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे नीचे, पेस्ट सेव। अब इस डॉक्टर राउट में क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो आर को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोलर भी इम्पोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिंक बना लेंगे, एसिंक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसके बाद में हम इसमें ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कैच के अंदर आप क्या करें, कंसोल डॉट लॉक कर दें एरर को, जो भी एरर है उसको कंसोल पे भी प्रिंट करा देंगे और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, तो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, और एक मैसेज ऐड कर देंगे। मैसेज में आप कोई भी रेंडम मैसेज ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डॉक्टर से रिलेटेड ऐड कर देता हूँ, डॉक्टर प्रोफाइल अपडेट इशू, और एरर ऑब्जेक्ट हम इसमें पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है अपडेट करना है डॉक्टर को। सो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देंगे डॉक्टर के नाम से, कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट करना है। अवेट किस चीज़ का करेंगे, हमको डॉक्टर मॉडल में से जो है डॉक्टर को फाइंड करना है, डॉक्टर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, और किस बेसिस पे हम अपडेट करेंगे वो यहाँ पर हमको बताना है। तो यूजर आईडी के बेसिस पे हम कर लेंगे, यूजर आईडी, और ये हमको आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, और फिर क्या अपडेट करना है, तो जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रहेंगे पूरा का पूरा हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे और सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 201 डॉट सेंड, और सक्सेस इसमें कर देंगे हम ट्रू। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड, और उसके बाद में यहाँ पर डेटा का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे और उसके अंदर जो है डॉक्टर को पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्टर्स को जो है गेट करना है, यानी प्रोफाइल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डॉक्टर को गेट कर लेंगे, उसके बाद में उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर H1 के बाद में हम फॉर्म को डिस्प्ले कराएंगे और कंडीशनली फॉर्म को डिस्प्ले कराएंगे, कैसे, अगर हमारे पास हमको डॉक्टर मिलता है तभी हमको जो है फॉर्म को शो कराना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इफ डॉक्टर, फिर एंड आपको लिख देना है, और इसके बाद में यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे फॉर्म को। अब फॉर्म कहाँ से कॉपी कर लेंगे, हमने ऑलरेडी अप्लाई में किया था, देखिए अप्लाई डॉक्टर के लिए फॉर्म क्रिएट किया था, तो ये वाला फॉर्म हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और प्रोफाइल के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। साथ में थोड़े इम्पोर्ट्स भी हमको लगेंगे, तो इम्पोर्ट्स भी आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, और ये सारे इम्पोर्ट्स हम जो है कॉपी कर लेंगे पेस्ट, और जो मल्टीपल टाइम्स हो गए उसको आप रिमूव कर लें। तो यहाँ पर सारे इम्पोर्ट्स हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में हमको जो है ऑन क्लिक फंक्शन भी लगेगा, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं नीचे और यहाँ पर हैंडल फिनिश, देखिए ये जो फॉर्म का फंक्शन है इसको कॉपी कर लेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे इस पैराग्राफ्स के बाद में। कॉमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, अपडेट डॉक, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, और ये डिस्पैच भी लगता है हमको, तो डिस्पैच भी हम ऐड कर देंगे। इसका वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और चेक कर लेते कहीं पर कुछ एरर। नेविगेट, देखिए नेविगेट का भी हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। अब कोई भी एरर हमारे पास देखने नहीं मिलेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस हैंडल फिनिश को जो है ना चेंज करना है, ये जो API है इसको हम चेंज कर देंगे, पहले जो है यूजर के लिए था, अब जो है ये डॉक्टर के लिए है, तो आपको लिखना है डॉक्टर स्लैश, और इसके बाद में आपने जो भी एंड पॉइंट नाम दिया होगा, जैसे कि आपने अपडेट प्रोफाइल दिया है, तो वो चीज आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद में वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, यूजर आईडी भी एज इट इज रहेंगी यहाँ पर, और हेडर्स भी हमको पास कराना है, और आई थिंक सब कुछ सही है। एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं पहले, और इनिशियल टाइम पे हमको डेटा भी चाहिए ना जो हमने गेट किया था, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर
फॉर्म के अंदर आपको लिखना है इनिशियल वैल्यूज, ये हमको एंड डिजाइन में मिलता है। तो यहाँ से आप क्या करें, इनिशियल वैल्यू को जो है ना डॉक्टर से फुलफिल करा दें, सेव कर लेते हैं उसको और टेस्ट कर लेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास वैल्यूज आती है या नहीं। यहाँ पर एक पाथ का इशू है, अलर्ट स्लाइस का। ओके, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर पाथ इसको नहीं मिल रहा है, आई थिंक हम डबल से इसको इम्पोर्ट कर देंगे। डॉट डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश फीचर्स स्लैश अलर्ट स्लाइस, सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेंगे। कंसोल में एक बार चेक कर लेते हैं, डेट डॉट लोकल। ओके, तो डेट का कुछ इशू है यहाँ पर, यानी कि टाइम पिकर जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको टेम्पररी हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, बाद में देखेंगे इसको। पहले चेक करेंगे कि सही में फंक्शनैलिटी काम करती है या नहीं, सेव रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो देखिए सब कुछ आ रहा है बराबर से, यहाँ पर नेम आ रहा है, यानी डेटा हमारा पॉपुलेट होके आ रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीज़ें आ रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीस चेंज करके देखेंगे, 500 के बदले 600 कर देते हैं और इस सबमिट है ना, इसका नाम चेंज कर देंगे हम, इसको कर देंगे अपडेट, सेव रिफ्रेश कर लेंगे इसको और यहाँ पर 600 वापस से कर लेंगे और अपडेट। और यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला, एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रोफाइल में। तो देखिए यहाँ पर बराबर से 600 हो चुका है और ये जो सक्सेस रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है ना, इसमें अभी भी इश्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल फॉर्म में जो है ना ये जो सक्सेस है इसको जो है मैसेज कर देंगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, सेव। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा है, वापस से इसको हम 500 कर देंगे अपडेट, डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड, चेक कर लेते हैं प्रोफाइल में जाके। तो देखिए बराबर से ये अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई डॉक्टर में भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो मैसेज है ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स है तो यहाँ पर डेटा हम फेच करा रहे हैं ना, तो डेटा के बदले आपको मैसेज ऐड कर देना है, तो फिर वो मैसेज शो करेगा, सही। और अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर इस टाइम पिकर के ऊपर काम करना है, यानी कि वर्किंग टाइमिंग जो है जिसको अभी हमने कॉमेंट करके रखा है प्रोफाइल में, इसके ऊपर हमको काम करना है, इसको अपडेट करना है, क्योंकि अभी अगर हम इसको अनकमेंट कर रहे हैं ना तो हमारे पास एरर शो कर रहा है। सेव कर लेते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और रिफ्रेश करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है क्रैश हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल में आपको एरर देखने मिल जाएगा। तो इसको अभी हमको फिक्स करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, या फिर इसी वीडियो में हम क्या करेंगे इसको फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मूवमेंट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर जब भी हम टाइमिंग या फिर डेट के साथ में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी एक यूजफुल पैकेज है मूवमेंट की लाइब्रेरी। इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप विजिट करेंगे npmjs.com और यहाँ से आप सर्च करें मोमेंट, यहाँ से आप क्लिक करिए तो इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये पैकेज क्या है, कितना वीकली डाउनलोड्स है और डबल एम हो चुका है। वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ मोमेंट, तो ये वाला है सिंगल एम के साथ में और काफ़ी पॉपुलर है। देखिए वीकली डाउनलोड्स आप चेक कर सकते हैं, वर्जन्स और इसको कैसे यूज़ करना है, इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं या फिर इसका ऑफिशियल जो है होम पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेंगे। सो मेक श्योर आप स्विच हो जाए सीडी क्लाइंट के अंदर और इसके अंदर इसको पेस्ट कर ले npm i मोमेंट, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पैकेज जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही में हम क्या करेंगे, डेटाबेस में भी चेंजेस कर लेंगे। चलते हैं डेटाबेस में और डॉक्टर्स डॉक्टर्स की जो टाइमिंग है उसको हम चेंज कर देंगे। ये जो एरे है इसमें हम मैनुअली जो है अपडेट कर देंगे, इसको कट कर देता हूँ मैं, और इसके बदले मैनुअल टाइमिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि 09:00, और उसके बाद में फर्स्ट वाला एरे भी चेंज कर देंगे, इसको कर देता हूँ मैं 11:00, और यहाँ से इसको अपडेट कर देंगे। तो टाइमिंग्स हमारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब इसको जो है हम गेट करेंगे हमारे फ्रंट एंड पे, चेक करते हैं मोमेंट अभी स्टिल जो है डाउनलोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, इसको क्लोज कर देंगे और टॉप पे क्या करेंगे हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, और इनिशियल वैल्यूज में जो हम चेंजेस करेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यूजर आईडी को जो गेट कर रहे हैं ना उसके बाद में और कॉमा लगा के और इसके बाद में जो टाइमिंग्स को गेट करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है टाइमिंग्स कोलन एरे, और इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसके अंदर जो है हम मोमेंट की मदद से जो है टाइमिंग्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है मोमेंट, ये फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे वैल्यूज को जो है गेट करेंगे, पहले वैल्यूज फिर उसके अंदर हमारे पास है टाइमिंग्स और उसका एरे, क्योंकि दो था अपने पास। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एरे में हमारे पास दो वैल्यू है 0 एंड 1, तो दोनों की टाइमिंग्स हमको गेट करनी है। तो पहली वाली गेट कर लेंगे टाइमिंग्स ऑफ 1, और इसको जो है हम HH और MM में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आवर और मिनट में। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है इसको, और सेकेंड वाले के लिए भी हम कर देंगे, तो एरे का इंडेक्स रहेगा इसमें फर्स्ट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे,
इनिशियल वैल्यूज को जो गेट कर रहे हैं ना उसमें भी हम चेंजेस कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर देखिए जो इनिशियल वैल्यूज है ना इसमें हम चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्टर को कट कर लेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले जो भी डॉक्टर है उसको गेट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में मूवमेंट की मदद से जो टाइमिंग्स को गेट करेंगे, सो यहाँ पे आपको लिखना है टाइमिंग्स, ये है एरे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मूवमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यहाँ पर मूवमेंट लिखना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डॉक्टर है उसको गेट कर लेंगे डॉक्टर, और उसके अंदर हमारे पास है टाइमिंग, तो टाइमिंग को हमको गेट करना है टाइमिंग्स। और इसका इंडेक्स हम गेट करेंगे फर्स्ट वाले का 0, फिर उसके बाद में कन्वर्ट कर देंगे HH:MM में। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद में सेकेंड वाले को भी हम गेट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और आई थिंक ये काम करना चाहिए। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग्स जो है आ चुकी है और इसको अपडेट करके भी चेक कर लेंगे। 9 के बदले 10 कर देते हैं इसको और अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड, चेक कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर जो डेट है वो गलत सेलेक्ट हो रही है, तो डेट का कुछ इशू है, एक बार चेक कर लेंगे डेटाबेस में। ये रहा डेटाबेस। अच्छा देखिए वैल्यूज वापस से हमारे पास फुल लेंथ में आ चुकी है, तो इसको मैं क्या करता हूँ फिर से एक बार एडिट कर देता हूँ। इसको कर देंगे 07:00 और सेकेंड वाले को 09:00 अपडेट। चलते हैं वापस, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो कुछ इस तरीके से डेट है और एक बार हमारा फंक्शन चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम अपडेट करा रहे हैं तो अपडेट में, अच्छा अपडेट में डायरेक्टली वैल्यूज हमने सेंड करा दिया, हालांकि हमको इसको पहले फॉर्मेट भी करना है। तो इसके बाद में आप क्या करें, डॉट फॉर्मेट का फंक्शन यूज करें और उसके अंदर HH:MM जो है यूज करें। सेम इसी तरीके से इसको भी फिक्स कर लें कट। इसके बाद में फॉर्मेट यूज करेंगे फिर HH:MM, सेव कर लेते हैं इसको। तो फिर अब सही से अपडेट होगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ से टाइमिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। 9 के बदले हम इसको कर देंगे 12, इसको कर दिया हमने 12। अब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड, चेक कर लेंगे प्रोफाइल में। तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी बराबर से हमारे पास आ रही है। तो सक्सेसफुली हमने यूजर के प्रोफाइल को यहाँ पर गेट कर लिया, उसी तरीके से अपडेट की फंक्शनैलिटी भी देख ली। अब हम जो है अपॉइंटमेंट्स पर काम करेंगे।